हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वर्कआउट रूटीन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना वर्कआउट रूटीन जो डेली चल रहा है। प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी मेरी, जिसमें कि मैं साइकिलिंग मैंने वीडियो बनाई है, एक ब्लॉग बनाया है साइकिलिंग का। और पिछले जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, एक डेढ़ महीने से। लेकिन साइकिलिंग करते करते थोड़ा बोरियत सी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अब अपना पुराना वर्कआउट शुरू करें। तो अपनी जो जिम है वो टायरों के ऊपर है, जिम ऑन व्हील्स। और आपको दिखाऊंगा, ये पीछे वो टायर है जिनके ऊपर मेरी जिम जाती है, और एक मिनी जिम है जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, और आपको दिखाता हूँ मैं। चलते हैं, बहुत ही सुंदर सी जगह है। करने को तो जिम मैं अपने घर पर भी कर सकता हूँ, काफ़ी स्पेस है, लेकिन जो वर्कआउट करने में, जो एक्सरसाइज करने में बाहर मज़ा आता है नेचर के बीच में, वो कहीं नहीं है। और आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर जगह है। जिसने मेरा पहला प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा साइकिलिंग का, उसमें वो जगह आपने देखी होगी, और वहीं चलना है। आपको दिखाता चलता हूँ, सुंदर सी जगह है, और वहाँ जो मेरा रूटीन है, जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वो सब आपको दिखाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो कम व्लॉग कम फिटनेस वीडियो को। मैं जल्दी जा रहा हूँ, वैसे तो मेरे साथ में पार्टनर रहता है वर्कआउट करने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे को आज वीडियो शूट करनी थी, तो इस वजह से मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ। और क्योंकि रात में वीडियो ढंग से शूट नहीं हो पाती है, और वैसे नाइट हो जाती है जब हम वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पर अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और चलो चलते हैं। तो गाइज, हम पहुंच गए हैं जिस जगह पर मैं वर्कआउट कर रहा हूं आजकल वर्कआउट रूटीन। और ये मेरी पिछले आपने व्लॉग में देखा होगा, ये साइकिल वाला रूट है जहां पर मैं साइकिलिंग कर रहा था, और जस्ट प्रीवियस व्लॉग था। तो अब मैं यहां पर वर्कआउट करता हूं, और जो मेरी जिम है वो मेरे साथ चलती है, वो पीछे खड़ी हुई है, अगर आप देख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं स्ट्रेचिंग और थोड़ा रनिंग करता हूँ, तो आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। कुछ दिन तक वर्कआउट चलेगा वैसे, और जहाँ तक है लॉकडाउन तो खुल ही चुका है, जिम्स अभी नहीं खुली हैं, तो जिम भी जल्दी ओपन हो जाएंगी, तो तब तक के लिए ये सबसे बेस्ट वर्कआउट है नेचर के बीच में। रनिंग करते करते कहाँ आ गया मैं, यमुना रिवर। चलो वापस चलते हैं, यहाँ मैं नहीं आया। पर आ गए हम जहाँ पर हम डेली वर्कआउट करते हैं, और अब वर्कआउट शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर रश रहता है इस टाइम पर, थोड़ा जल्दी आ जाओ तो। और अगर हम जैसे कि डेली रूटीन रहता है थोड़ा लेट आते हैं, तो फिर आराम से हम वर्कआउट करते हैं। और रोड अभी थोड़ी बिजी है, तो इस वजह से जैसे पुशअप्स होती हैं, स्क्वाट्स होते हैं, तो वो अभी लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि काफ़ी
कार्स का और साइकिलिंग करने वाले बाइकर्स वो सब आते रहते हैं। खैर देखते हैं, आपको जितना हो सकता है उतना अपना रूटीन दिखाऊंगा। आपको अपनी जिम दिखाता हूँ, मिनी जिम जो छोटी सी बना रखी है, और ये आप अंदर देख सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत डंबल्स हैं। इस तरह से वर्कआउट चलता रहता है मेरा, कुछ दिन से ये रूटीन है। जब तक जिम्स बंद हैं तब तक तो ये रूटीन चलेगा, और अच्छा भी है नेचर के बीच में। बस थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है इस टाइम पर, थोड़ा लेट होते तो इतना ट्रैफिक नहीं मिलता। जब तक जिम्स बंद है तब तक ऐसे ही वर्कआउट रूटीन ठीक भी है, नेचर के बीच में अच्छा लगता है, और रनिंग भी हो जाती है या कार्डियो भी हो जाता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाती है जैसे कि आपने अभी देखा वीडियो में। और अभी जब तक कुछ नहीं है तब तक मैंने कहा चलो ऐसे ही एक ब्लॉग, फिटनेस ब्लॉग बना दिया जाए। ठीक है, होप आपको ये अच्छा लगेगा। और आज के इस ब्लॉग के लिए, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Peace, guys.